हेलो एवरीवन कैसे हो आप सभी अभी थोड़ी देर पहले मैं आज मुझे पता नहीं था मतलब ये तो पता था कि आज वोटिंग वगैरह है इलेक्शन चल रहा है बट मुझे ये नहीं पता था इलेक्शन वाले दिन छुट्टी होती है बाजार बंद होता है मार्केट गई थी विहान को ट्यूशन छोड़ के आई थी थोड़ा अंधेरा आ रहा है ना तो जो सामान लाई थी ना वो डिस्पोजेबल कप्स प्लेट्स वगैरह मैंने सोचा उसमें से आधे वापिस कर दूंगी आधे रख लूंगी बट वो वापिस आज हो नहीं पाया तो फिर मैंने सोचा चल रख ही लेते हैं वापिस क्योंकि डिस्पोजेबल सामान ऐसा होता है जो काम आ ही जाता है इसका कोई वो नहीं है क्योंकि देखो मैं आपको पता ही है मैं क्या क्या लाई थी प्लेट्स लाई थी डिस्पोजेबल गिलास लाई थी कप्स लाई थी ये तो ऐसा होता है जैसे आप कभी ट्रैवलिंग भी कर रहे हो या कहीं आप जा रहे हो सफर में तो दो चार गिलास आप रख लो अपने साथ क्योंकि कल को जैसे कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीनी हो वरना बार बार खरीदते हो तो उसकी तो कोई ऐसी बात नहीं चम्मच है डिस्पोजेबल वो भी काम आ जाते हैं टिश्यू पेपर्स हैं प्लेट्स हैं डिस्पोजेबल वो भी काम आ जाती हैं कभी आप मान लो कार में कहीं ट्रैवलिंग पे जा रहे हो तो आप रख सकते हो जैसे खाना घर से बना लिया लेके कहीं चले गए और साथ में एक सेकेंड डिस्पोजेबल सामान है तो पड़े रहने देते हैं क्योंकि कोई ऐसा तो है नहीं खराब हो जाएगा अपना दो तीन साल में इस्तेमाल हो ही जाएगा कभी ना कभी ठीक है ऐसे जैसे हम ट्रैवलिंग वगैरह में तो मैं रख ही लेते हैं आप क्योंकि उसमें बच्चे का ही सामान है देखो एक होता नहीं आप जन्मदिन का सोच के लेकर आए हो बच्चे का फिर वापिस करना थोड़ा अच्छा सा भी नहीं लग रहा था मेरे को फिर मैंने सोचा आधा कर देती हूँ वापिस चार सौ पांच सौ रुपए आ जाएंगे मैंने सोचा कोई बात नहीं रखे रखते हैं बच्चे के बलून है खिलौने हैं सारा ठीक है सामान है तो आप में से कुछ लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि निधि आपने पार्टी कैंसिल क्यों करी है तो मैं यहाँ अनाउंस कर देती हूँ मैंने विहान की जो पार्टी थी जो मैंने अनाउंसमेंट करी थी कि हाँ विहान को सार सबको बुलाऊंगी पूरी सब्सक्राइबर्स फैमिली को बुलाऊंगी सब मैंने कैंसिल कर दिया ना मैं सब्सक्राइबर्स फैमिली को बुला रही हूँ ना ही मैं विहान का जो वो है बर्थडे वो स्कूल में भी नहीं मना रही हूँ मैं और ना ही मतलब ऐसे मैं मैं कारण भी बताऊंगी और मैं कैसे सेलिब्रेट करूंगी वो भी मैं आप लोगों को बता रही हूँ तो पहले रीजन सुन लीजिए क्या रीजन है देखो मैंने कुर्सियां भी लेके आई पंद्रह कुर्सियां लाई फराटा लाई जो पंखा होता है तो अच्छा खासा आपके भी सामने खर्चा भी कर रही थी सामान भी ला रही थी तो मैं अपनी तरफ से सोचा था मैंने कि मेरे को ये था कि देख नीति तेरा लोन खत्म हो गया होम लोन खत्म हो चुका है देखो मेरे पास अभी क्या है ना मेरे एक अकाउंट में इस टाइम पांच हजार रूपये पड़े हैं और दूसरे अकाउंट में इस टाइम एट प्रेजेंट बता रही हूँ करीबन करीबन तीस पैंतीस हजार रूपये पड़े हैं इससे ज्यादा मेरे पास पैसे नहीं है और दस दस हजार की लिमिट है तो करीबन करीबन लगा लो कि मेरे पास इतना है कि मेरा एक डेढ़ महीना भी चल जाएगा तो मैं अपने आप में सोचू मेरी सेविंग जीरो है मानती हूँ कि मेरे पास चलो ये दो फ्लैट हो गए मैंने इनका भर दिया लेकिन मेरे अकाउंट में तो कोई पैसा नहीं है ठीक है मैं मेरी हालत इस टाइम ये है कि यूट्यूब से आते हैं तो मेरा घर चल रहा है तो कम से कम इस मेरी कंडीशन ऐसी होनी चाहिए मेरे पास कम से कम लाख रुपया तो एक्स्ट्रा होना चाहिए ना कि लाख रुपया तो पड़ा है कल को कोई भी दिक्कत आ गई बच्चा बीमार हो जाए मैं बीमार हो जाऊ कम से कम बीस पच्चीस तो घर में मेरे पास होना चाहिए ना कोई मेरे पास ऐसा थोड़ी कोई मेरे को हेल्प कर देगा मेरे बुरे वक्त में एकदम से कोई खड़ा है पैसे के लिए मैं तो अभी देख लो जब मेरा बच्चा बीमार हुआ था उस टाइम आज से डेढ़ साल पहले उस टाइम उधर से ससुराल वालों ने तो तब भी कोई हेल्प नहीं की थी ना पैसों फोन ही करने उठाने बंद कर दिए थे ना किए उन्होंने फोन ही नहीं किए जब मैंने कहा था ना उनको पैंतीस हजार रूपए मैंने मांगे थे कि विहान का ट्रीटमेंट करना है क्योंकि एट अ प्रेजेंट डॉक्टर ने एमआरआई बता दिए थे कितने महंगे होते हैं टेस्ट एमआरआई सीटी स्कैन उसकी किडनीज का टेस्ट हुआ था विहान का मतलब पूरा पेट का सी टी स्कैन हुआ था मशीन में रख के इजी हुआ था इतने महंगे महंगे टेस्ट हुए थे वो टाइम मैंने देखा है ना जब एकदम से मैं बिल्कुल खाली थी तब मेरे फादर ने मुझे उधारे पैसे दिए थे मैंने उनके बाद में वापस किए थे ठीक है तो देखो ऐसा टाइम मैंने देखा है मैं सिंगल मदर हूँ ना तो मेरा इधर मतलब सपोर्ट वाला भी बात होती है तो दूसरी कारण पता है क्या देखो सबसे बड़ा रीजन मेरे को ना अभी खाली बैठे बैठे कुछ अच्छा सा नहीं लग रहा था मेरे को कुछ बातें थी पास्ट की वो ध्यान आ रही थी आपको पता है मेरे हस्बैंड की डेथ हुई थी ना अगस्त दो में दो के टाइम कोरोना चल रहा था तो उस टाइम जब मेरे हस्बैंड की डेथ हुई ना तो मेरे ससुराल की तरफ से क्योंकि मेरे सास ससुर है मतलब वो थोड़े गाँव के लोग ठीक है गाँव का गाँव के ही थे तो उनकी तरफ का पूरा कुंबा आया हुआ था मतलब पूरा गांव उनकी तरफ का आ रहा था रोज का मतलब लगा लो तीस चालीस तीस चालीस बंदा आता था, था उनके घर पे उन, उनके उनकी तरफ का ठीक है उनकी फैमिली में से हर कोई आया हुआ था ठीक है कोरोना फैल रखा था फिर भी आया हुआ था बट मेरी फैमिली की तरफ से मेरे मायके की तरफ से चाहे वो मेरी मम्मी की फैमिली हो चाहे मेरे फादर की फैमिली कोई भी नहीं आया मतलब ना उन तेरह दिनों में कोई भी नहीं आया मतलब कोई भी नहीं ना मेरे हस्बैंड का जब दाग दिया तब भी मेरे मायके की तरफ से सिर्फ मेरा जो ये क्लोज मेंबर्स होते हैं ना जैसे भाई लगा लो और मम्मी पापा लगा लो बस बस इतने ही लोग थे पांच छह लोग थे बस जो आए हुए थे इसके अलावा कोई नहीं आया मेरे हस्बैंड की डेथ के टाइम तो मुझे इस बात की नाराजगी नहीं है मुझे आप कहोगे कि मुझे बुरा लगा कि कोई नहीं आया क्योंकि वो कंडीशन ऐसी थी देखो मैं साफ बात बोलूंगी मैं मानती हूँ ठीक है क्योंकि हर परिवार में देखो उस टाइम ये था देखो जब कोरोना टाइम ने ये चीज तो बता दी कि इंसान ना पहले अपना सोचता है इंसान का एक बेसिक नेचर है कि वो सबसे पहले अपना सोचेगा कि ना अगर उसकी जान पे बात आएगी ना तो वो पहले अपना अपना अपने आप को सेफ रखेगा समझते वो चीज तो उस टाइम क्या था कि फिफ्टी की कंडीशन होती थी कि पचास से ज्यादा लोग ना मतलब आप दाग में शामिल नहीं हो सकते थे पचास का था गाइडलाइन थी ठीक है तो उस टाइम चलो माप मानते हैं कि ना ये चीज समझ में आती है कि देखो इतने लोग इकट्ठे हो रहे हैं एक जगह पे कोई भी एक पेशेंट हो सकता था उस टाइम जिसको कोरोना हो तो सब में फैल जाता तो ऐसे में ना कोई भी हर कोई ये सोचेगा कि ना वो होता है ना कि आ, हमें ना हो जाए कोरोना तो इस वजह से चलो समझ में आया कि नहीं आया कोई बुरा वक्त था देखो मानते हैं हम बात ठीक है मैं मैं भी उस चीज को समझती हूँ लेकिन एक बात आप बताइए मेरी ठीक है मैं नो डाउट में एक बात बता देती पे मेरी मामा जी और मेरे मौसी जी बहुत अच्छे हैं उनका बहुत अच्छा सपोर्ट है मेरे साथ ठीक है उन्होंने वो बा... आगे की बात सुन लीजिएगा पहले तो बात आती है ठीक है उसके बाद देखो 2020 में कोरोना फैल रखा था मान लिया ठीक है कोई नहीं आया ठीक है तेरह दिन में कोई नहीं आया ठीक है मान लिया ठीक है उसके बाद देखो तेरह दिन के बाद कोई नहीं आया समझ में आ गया उसके बाद आप ही सोचो 2020 निकल गया 2021 निकल गया 2020 में भी कोरोना था 2021 में भी कोरोना था, तो था समझ में आया ठीक है 2022 में तो कोई कोरोना नहीं था 2023 में तो कोई कोरोना नहीं था अब 2024 में भी आधा साल निकल गया 2024 में भी कोई कोरोना नहीं था पिछले ढाई साल में तो कोई कोरोना नहीं था बट मेरे जो पापा जी की फैमिली की तरफ से आज तक एक भी सदस्य एक एक भी एक भी बंदा एक भी पर्सन एक बार हमारे घर नहीं आया आना चाहिए ना एक तरीके से कायदे से आप एक बात बताओ किसी के घर में मौत हो जाए वो भी जवान मौत और आपके परिवार के सदस्य एक शोक मनाने के लिए आपके घर तक ना आए एक होता है ना कि घर में आके बंदा उसे कोई दुख खत्म नहीं होता बट ये होता है कि चलो वही सामने वाले बंदे आए होता है ना थोड़ा सा कि हाँ दुख में शामिल हुए तो वो चीज होती है कि आज तक का रिकॉर्ड बता रही हूं इतने साल हो चुके इस बात को भी कोई बंदा हमारे घर पे आके खड़ा नहीं हुआ कि हाँ भैया निधि तेरे साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ ठीक है ये चीज हुई हमारे घर में ठीक है आज तक कोई नहीं आया ठीक है कितने घंटे का सफर होता है पांच घंटे का सफर होगा कोई भी नहीं आया ठीक है ठीक है मेरी म, म, मम्मी की तरफ की फैमिली की बात है तो मामा जी मेरे आए थे आपको भी ध्यान होगा भैया दूज पे आए थे यहाँ ठीक है और मेरे मौसी जी भी अभी आए थे है हाँ, ना जब मेरी मम्मी बीमार थे लेकिन वैसे उनका सपोर्ट मेरे, मेरे को रहा है ठीक है उन्होंने मेरी एज अ फाइनेंशियली भी मेरी कुछ ना कुछ मदद करी है कभी हजार रुपए दे दिए कभी पन्द्रह सो दे दिए जब भी मैं उनके घर जाती हूं तो कभी पंद्रह सौ पकड़ा दिए रुपए ठीक है हजार रूपये पकड़ा दिए कह के कि ये विहान के नाम के है ये तेरे नाम ऐसे के ऐसे करके देखो उन्होंने देखो और विहान के कभी uh, स्वेटर वगैरह बुन दिए कपड़े बुन दिए कभी उसके विहान के लिए इतना कुछ ले आए कुछ ना कुछ तरीके से उन्होंने किसी ना किसी तरीके से विहान की और मेरी हेल्प कहीं ना कहीं करी है ठीक है तो इसलिए मैं उनको कहती हूँ देखो उस चीज को मैं समझती हूँ लेकिन अब इस चीज के लिए मैं मैं ही बात इसलिए कह रही हूँ कि देखो यार मेरी कोई, मेरी कोई कोई सहेली नहीं है ठीक है मेरे बुरे वक्त में मेरी जितनी भी दो चार दोस्त दोस्ती सब पीठ दिखा के निकल गए मतलब अपना अपना करके छोड़ के चले गए कि यार ये तो एक होता नहीं ये दुख में पड़ी है रोती रहती है छोड़ दो इसको ठीक है तो मैं ये बात इसलिए कह रही हूँ कि देखो दुख का साथी कोई नहीं होता कोई भी नहीं होता मतलब मैं मैं अब एक बात बताऊं मैं मैं मतलब जब आपके दुख में ही कोई शामिल ना हो तो वो रिश्ता तो वैसे ही खत्म हो जाता है फिर क्या रिश्तेदारी रह जाती है कौन सी रिश्तेदारी होती है रिश्तेदारी का मतलब क्या होता है दुख के टाइम में साथ होता है ना दिखता है कि रिश्तेदारी है तो इस बात पे मैं ये बात बोल रही थी कि देखो मेरे को कोई बुरा नहीं लगा कि मैं सोचू लेकिन मैं फिर यार मैं ये बताऊँ की जन्मदिन पे रिश्तेदार कहाँ है रिश्तेदारी कौन आएगा मेरे बच्चे के जन्मदिन पे ये बताओ ना वो चीज आप देखो अब अब जो लोग जो लोग लो मेरे पति के जाने पर गुजरने पे, मरने पर ही नहीं आए वो लोग क्या मेरे उस, उसके लड़के के जन्मदिन पे आएंगे अगर मैं बुलाऊंगी आपको लगता है कोई नहीं आएगा बुला लूंगी तो भी नहीं आएंगे क्यों क्योंकि उनको भी पता है वो चीज की कहीं ना कहीं वो चीज होती है ना कि हाँ उस टाइम तो आए नहीं ठीक है उस टाइम तो इतने साल हो गए अब कैसे वो चीज होती है यार सबको होती है मेरे को समझ में आता है तो वो चीज हो जाती है तो तो चलो ठीक है और मेरी मम्मी कह रहे थे कि मामा जी मौसी जी और अभी इस टाइम नहीं आ पाएंगे मेरी मम्मी नहीं बोला वो चीज कुछ कारण है पर्सनल कारण है ठीक है तो वो बात है तो देखो रिश्तेदारी तो छोड़ ही दो अब मैं बुलाऊंगी किसको ठीक है रिश्तेदारी की खत्म होगी बात ठीक है बात आई पड़ोस की पड़ोस में एक बार बताऊ मान लिया मेरी किसी से यहां लड़ाई झगड़ा नहीं है बट मेरी मम्मी के साथ तो सबका हो रखा है ना यहाँ पे लगभग लगभग एक बार बताओ जो लोग मेरी मम्मी को कभी मान लो उल्टा बोल के चले गए मेरी मम्मी ने उनको उल्टा बोल दिया उन लोगों को मैं पार्टी में क्या बुलाऊ क्या आप इन्वाइट करूं ये बताइए ना बताइए ना जो मतलब चाहे कुछ भी हो एक बात पता है क्या होता है आपने भी वो देखा था ना कुरुक्षेत्र का जो वो हुआ था ठीक है महाभारत भी देखी है आपने कि चाहे सही हो चाहे गलत हो लेकिन जब परिवार होता है ना परिवार फिर भी खड़ा हो जाता है ये चीज होती है सच सच्चाई है ये ठीक है अपना जो कुनबा होता है ना वो फिर भी एक हो जाता है तो वो चीज होती है देखो आस पड़ोस में जो मेरी माँ को गाली दे के गए हैं उन लोगों को मैं पार्टी में कैसे बुला सकती हूँ ये सोचिए ना चाहे मेरी मम्मी से मेरा कितना भी मन मुटाव क्यों ना होता हो लेकिन ना जो जो इंसान मुझे गाली दे के जाएगा कल को और मेरी मम्मी ऐसे करे कि उसको बैठा बैठा के चाय पानी करे तो मुझे भी बुरा लगेगा ना तो वो चीज़ तो मैं नहीं कर सकती

तो बात पड़ोस की भी होगी कि पड़ोस भी दोस्त दोस्त फ्रेंड सर्कल कोई मेरा है नहीं बात आ जाती है चलो मान लिया कि सबको छोड़ दिया यूट्यूब फैमिली आएगी मेरी सब्सक्राइबर फैमिली आएगी सुबह सुबह मुझे धमकियां मिल रही थी बिहान के लिए किसी ने कमेंट किया कि ना जन्मदिन वाले दिन मातम मनाएगी इस बात का मतलब समझते हो आप किसी ने सामने से धमकी दी है मुझे ठीक है मैंने सब अपनी सब्सक्राइबर फैमिलीज को बुलाया कि हाँ आओ अब मेरे को देखो यहाँ पे सो में से नब्बे लोग है जो अच्छे होंगे जो अच्छी इंटेंशन से आ भी जाएंगे लेकिन जो दस लोग हैं वो कितना गलत करके चले जाए देखो इसका इतनी बड़ी बात बोल गया कोई बंदा ठीक है मेरे बच्चे के लिए कि जन्मदिन वाले दिन ऐसा करेगी तो इसका मतलब समझते हो एक ही दिन एक दो दिन पहले मैंने सबको इन्वाइट किया था तो क्या पता किसी के मन में कितनी बड़ी रंजिश हो क्या पता क्या प्लान करके आए मन से कि हाँ हम बच्चे का कुछ कर देंगे ऐसे आ जाए अनजान बंदे इतने लोग आ जाए संभाल ना पाऊं और फिर मेरा बच्चा छोटा ठीक है क्या पता कुछ ऐसी चीज लाके रख दे मेरे बच्चे के लिए खाने पीने की कोई चॉकलेट दे दे और चॉकलेट में ही कुछ मिला के दे दे ठीक है आज के टाइम में बहुत बुरा हाल है यार किसी पे हर किसी पे आप भरोसा नहीं कर सकते हो तो वो उस चीज़ की वजह से क्योंकि मेरे बच्चे को देखो दो पिछले दो दिन में बहुत धमकियों वाले मैसेजेस आ रहे हैं कमेंट्स आ रहे हैं कि ना इतनी बड़ी धमकी मेरे को सुबह से ही मन में खटक गया था वो चीज़ जब किसी ने ऐसे कॉमेंट किए ना कि हाँ जन्मदिन वाले दिन मातम मनाएगी तभी मैंने सोच लिया था कि नहीं यार किसी को नहीं बुलाना क्योंकि पता नहीं कैसा कौन बंदा आ जाए तो वो चीज मैंने इसलिए कैंसिल करी है समझ रहे हो कि बाहर के बंदे को बुलाना क्योंकि अनदेखा बंदा कोई भी आ सकता है यार अब मेरे कमेंट सेक्शन पढ़ा करो उसमें लोग कितना गंदा गंदा मुझे बोलते हैं कितना कुछ बोल के चले जाते हैं गालियां भी लिख के चले जाते हैं और भगवान के मतलब कल को वही बंदे आके खड़े हो जाए मेरे घर पे कि मैंने तो बुलाया है ऐसे किसी को और कुछ मतलब गलत हो जाए है ना जो लोग मेरे को कॉमेंट में धमकियां दे रहे हैं वो घर आके भी कुछ कर जाएंगे तो मैंने खुल्लम खुल्ला मौका दे दिया ना उनको कि आ जाओ मेरे घर इसलिए मैंने यहाँ पे इस चीज़ को भी कैंसिल किया बात आ जाती है थर्ड मेरे बच्चे का जन्मदिन मैंने कहा था मैं स्कूल में बनाऊँगी वो मैंने क्यों कैंसिल किया मैंने इसलिए कैंसिल किया है कि देखिए बात ऐसी है कि जो चीज़ मेरे को अपने बुरे वक्त में समझ में आई है ना कि शोभा जी में कुछ भी नहीं रखा दिखावे की जिंदगी नहीं जीनी चाहिए इंसान को क्योंकि बुरे वक्त में कोई कोई नहीं होता आपके साथ खड़ा ठीक है आपके पास पैसा है तो आप आप सही है आज मेरे वक्त एकदम से कोई बुरा कुछ मतलब कोई कुछ दिक्कत आ जाए पैसों की जरूरत होगी तो मेरे पास होंगे चार पैसे तो मेरे काम आ जाएंगे नहीं तो नहीं और अगर मैं विहान का जन्मदिन स्कूल में बनाती हूँ तो कम से कम मुझे पचास बच्चों का वहां पे मुझे अरेंजमेंट करना पड़ेगा क्योंकि नो डाउट सारे पेरेंट्स करते हैं वहां पे सब सब पार्टी करते हैं बच्चे की स्कूल की मैं मेरा बच्चा भी वहां पे जाता है तो पार्टी में केक वगैरह खाता है ठीक है लेकिन मेरे को मैं उनका मुकाबला नहीं कर कर सकती देखो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैं इतने महंगे स्कूल में बच्चे को पढ़ा पा रही हूँ ठीक है वो वो भी बस चलो मेरी मेहनत है लेकिन वो लोग हैं वो वो लोग हैं उनके पेरेंट्स वो उन बच वो वो बच्चे उन उन उन, उन पेरेंट्स के हैं जो कि कम से कम महीने का तीन तीन चार चार लाख रुपए कमाते होंगे जिनके खुद के बड़े बड़े बंगले जैसे घर हैं अमीर हैं पैसे वाले हैं उनके लिए कोई मैटर नहीं करता ठीक है अगर वो पार्टी दे भी देंगे लेकिन मेरे लिए मेरे को देखना है कि मेरे को मेरे बच्चे की स्कूल की फीस देखनी है आगे का खर्चा देखना है यूट्यूब का क्या भरोसा आज है कल नहीं ठीक है मेरे पास अगर चार पैसे होंगे तो मेरे बच्चे की लाइफ अच्छी हो जाएगी तो क्यों दिखावा करना है क्योंकि अगर मैं अगर सौ रुपए भी पर बच्चे का सोचू ना कि जैसे केक पेस्ट्री समोसा गुलाब जामुन और गिफ्ट भी देते हैं यहाँ पे तो जैसे फ्रूटी वगैरह पर बच्चा एक एक फ्रूटी देते हैं ठीक है उस एक एक चॉकलेट देते हैं और भी जैसे थोड़ा बहुत रिफ्रेशमेंट का सामान देते हैं चिप्स वगैरह कर कर आके भी सोचू कम से कम भी ये लगा लो पांच छह हजार का तो खर्चा मेरा बैठेगा, ही बैठेगा अगर विहान का स्कूल का करती हूँ मैं तो मुझे लगा पांच छह हजार उसे बढ़िया अपने बच्चे के लिए कुछ ले लेना क्या रखा है दिखावे की उसमें कि हाँ सारे पेरेंट्स करते हैं तो तू भी कर कोई ऐसा कानून थोड़ी है कि करना ही करना है जरूरी तो नहीं है ना आपका बच्चा है आप अपने बच्चे के लिए जैसा आपको सही लगता है वैसे करो तो मैं तो विहान को ना उसके जन्मदिन पे तो हमारे टाइम में क्या होता था जब बच्चों का जन्मदिन कैसे मनाते थे बच्चों के लिए टोफियों का एक पैकेट होता था वो माँ बाप बच्चों को दे देते थे बच्चे सारी अपनी क्लास में वो टोफिया बांट देते थे सारे बच्चों को दो दो टोफिया दे देते थे तो मैंने भी सोचा मैं यही करूंगी मैं विहान के लिए एक डेढ़ सौ दो सौ दो सौ डेढ़ सौ टॉफियों वाला एक पैकेट लाके दे दूंगी ठीक है टॉफियों का पैकेट दे दूंगी उसको खरीद के वो बच्चा स्कूल में अपनी क्लास में सबको बांट देगा दो दो टॉफी जरूरी थोड़ी है कि हाँ ऐसे मतलब पूरा बड़े स्टाइल में ही करना है और जो सेलिब्रेशन है वो अपने घर में करेंगे अपने अपनी फैमिली में करेंगे और जो पांच छह हजार रुपए वहां बचेंगे वो मैं अपने बच्चे के लिए करूंगी कुछ बच्चे को कुछ अच्छा अच्छा दिलवा दूंगी उसका कुछ पसंद का दिलवा दूंगी विहान के ऊपर खर्च दूंगी पैसे उसके लिए अच्छे कपड़े खरीद लूंगी विहान के लिए ड्रेस खरीद लूंगी कोई या कुछ ना कुछ रख लूंगी उसके लिए संभाल के अगले आगे सर्दियां आएंगी कल आगे दो चार महीने बाद आगे जुलाई के बाद तो उसके विंटर्स की क्लोथिंग शॉपिंग कर लूंगी उसको अच्छे जूते दिलवा दूंगी या फिर उ, कुछ और देख लूंगी ना अपने बच्चे के लिए कुछ ना कुछ कर लूंगी क्या जरूरी है है ना उसका सोचूंगी ना और 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 जो पार्टी है वो अपने घर में करूंगी अपनी मम्मी पापा भाई फैमिली हम जैसे पहले बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे करते हैं हर बार होटल में चले जाते हैं साथ में बैठ के इकट्ठे खाना वाना खा लेते हैं बच्चे का केक कट कर लेते हैं अपना फैमिली फैमिली में बना लेते हैं इससे बढ़िया और क्या है है, है ना यही सबसे अच्छा है देखो घर में बना लो अपना छोटा सा घर में आके केक कट कर, कर लो बच्चे का जन्मदिन क्योंकि यार मुझे लगता है यही ठीक है बच्चे का जन्मदिन इसी तरीके से जैसे अपना जो भी है सामान ले आई खाने पीने का बच्चे का पिछले साल मैंने कैसे किया था विहान का बर्थडे में पाँच छः हजार का ना अच्छा खाने पीने का सामान ले आई थी घर पे सारा राशन ले आई थी सारा तो पिछले साल राशन का सारा सामान ले आई थी घर पे विहान की पसंद की काफ़ी चीजें भी ले आई थी खाने पीने की तो बस बच्चे का क्या है इतना भी ठीक है खुश हो जाएगा एक अदा खिलौना दिलवा दूंगी बच्चे को बहुत है और बात आई इन कुर्सियों की तो देखिए बाकी तो सारा सामान मैं यूज का ही लेकर आई थी फैन है वो मैं यूज़ कर रही हूँ अभी वो भी पोचा भी मैं यूज कर लाई थी और भी सामान हाँ आप बोलोगे कुर्सियां इतनी उठा लाए तो देखिए मेरे मैंने आपको बोला था कि आने वाले टाइम में मैं एक ट्यूशन सेंटर खोलना चाह रही थी तो देखो ट्यूशन सेंटर में कुर्सियाँ काम आई जाती है आप सोच ही सकते हो बच्चे हैं वो बैठते हैं तो उनको कुर्सियों की जरूरत पड़ती है तो अगर फ्यूचर में मेरे काम आई जाएंगी कुर्सियाँ कभी ट्यूशन अगर सेंटर वगैरह खोला मैंने तो इस तरीके से अगर सोचे तो ये सारा काम बस ठीक है, आगे से अब आग, क्योंकि मेरे को देखो अब मेरे को क्या है ना वो चीज समझ में आती है कि देखो कल को बुरा वक्त था उस टाइम मेरे से पांच रुपए नहीं खर्चे जाते थे मेरे को आज भी वो टाइम याद है जब मेरे पास थे नहीं मैं निकली थी क्योंकि बुरे वक्त में आपको अहमियत पता चलती है पैसे की और जब अच्छा वक्त आने लग जाता है ना तो आप ऐसे ढीला हाथ छोड़ देते हो लेकिन जब फिर आपको अकल लगती है बाद में तो इसीलिए मैंने सोचा है कि अब से मैंने डिसाइड किया कि मैं अब से ना मैं भी फिजूल खर्ची बिल्कुल नहीं करूंगी पैसे एक एक रुपया सोच सोच के खर्च किया करूंगी जमा करूंगी अपने बच्चे के लिए मुझे पैसे जोड़ने चाहिए क्योंकि मेरा बच्चा है उसके मेरे को आगे का देखना है कि ताकि मेरे को मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट बनी रहेगी अगर मुझे कल को जरूरत पड़ी तो मेरे को किसी से मांगना ना पड़ा पैसा मेरे पास खुद के पास होना चाहिए इसीलिए मैंने डिसीजन लिया है कि मैं अपने बच्चे का अपनी सिचुएशन के हिसाब से अपनी परिस्थिति के हिसाब से जैसा मुझे लगेगा मैं उसी तरीके से सेलिब्रेट करूंगी कोई दुखात हवे में नहीं रहना है ठीक है जी एंड करती हूँ वीडियो का अच्छी लगे लाइक कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों में फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा और अपना खूब सारा ध्यान भी रखिएगा बाय बाय टेक केयर